ओलंपिक से पहले ही ये डिसाइड हो गया था, मेरे कोच ने मुझे बोल दिया था कि आपको छुट्टी लेनी है 3 महीने की। सबसे अच्छा मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत समय के बाद बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाई हूँ। आई नो माई गोल इज शूटिंग ओनली एंड यू नोबडी नीड्स टू रिमाइंड मी ऑफ दैट प्लीज। कितना ही सोच लूं मन करता है, पर एक्चुअली ओलंपिक से पहले ही ये डिसाइड हो गया था, मेरे कोच ने मुझे बोल दिया था कि आपको छुट्टी लेनी है 3 महीने की, बिकॉज मुझे यहाँ चोट काफी लग गई थी रिकॉयल से, पिस्टल के रिकॉयल से, और यहाँ से भी स्किन निकलने लग गई थी। तो ये प्री डिसाइडेड ही था, तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता था, और जो डिसाइड हो गया था, चाहे मेडल आता चाहे नहीं आता, तो रिगार्डलेस ब्रेक लेना ही था। Yes. ये बड़ा मौका है जो नए एथलीट्स यहाँ पर शूटिंग में उतरेंगे अमंग अदर्स, उनके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आप देखते हैं, क्योंकि तमाम स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप फाइनल एक फाइनेस्ट कंपटीशन है, बिकॉज चैंपियन ऑफ द चैंपियंस मेक इट टू द वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव जो है इनका सिलेक्शन बहुत सिलेक्टिव होता है, और इस प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका मिलना मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो लंबे आने वाले दौर में बहुत मदद करेगा आगे। प्रेशर हैंडलिंग कह लो, चाहे यू नो परफॉर्मेंस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस कह लो, क्योंकि होम ग्राउंड में अलग ही तरीके का प्रेशर होता है। सो आई वुड से एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और प्लेटफॉर्म तो बहुत ही अमेजिंग है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड डू योर बेस्ट एंड डू नॉट बी अफ्रेड, हैव फेथ इन योर सेल्फ। मनु इधर क्या बहुत व्यस्त रही है और बहुत सारी चीजों में रैंप वॉक से लेके और स्काई डाइविंग से लेके बहुत कुछ किया है, सबसे ज्यादा एंजॉय क्या किया? हर एक मोमेंट जाहिर आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगा? और दूसरा, जब आप वापसी करेंगे तो उसको स्विच ऑफ करना, इधर स्विच ऑफ करना मुश्किल होगा? सर, पहली बात, सबसे अच्छा मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत समय के बाद बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाई हूँ, और मैं बहुत अच्छे से नींद ले पाई हूँ, तो सबसे अच्छी चीजें वही है, और मैं घर का खाना खा पाई हूँ, तो ये चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसके अलावा ट्रैवलिंग, लोगों से मिलना, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इस तरीके से रखना चाहती हूँ कि लाइफ के हर एक पार्ट में मैं इक्वली अपने आप को जितना हो सके सीख दूं और अपने आप को इन्वॉल्व रखूं। बट जहां तक बात मेरे स्पॉट की आती है, आई डोंट थिंक मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम होगी कि वापस मुझे यहाँ आने में, बिकॉज मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग कर रही हूँ, अगर ऑल दो मैं उसको शेयर नहीं करती हूँ, बट मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग करती रहती हूँ। बट यही है कि कॉम्पिटिशन्स हारना और जीतना एक पार्ट है लाइफ के, इसके बाद भी आगे आने वाले टाइम में भी मैं कुछ हारूंगी भी, कुछ जीतूंगी भी, बट जर्नी बहुत मैटर करती है, हमारा माइंडसेट बहुत मैटर करता है, और मुश्किल नहीं होगा वापस आना। मानू, आपने इंजरी की बात की, अभी फुली रिकवर्ड है कोई? जी जी, ये पूरा जा चुका है, ये पूरा हील हो चुका है, और स्कैपला मेरा पूरा ठीक हो चुका है। सो या मानू, ये ओलंपिक के बाद कितना मसरूफ, कितने बिजी रहा शेड्यूल, कितना एंजॉय किया, और मतलब क्या ऐसा कभी लगा है कि बहुत ज्यादा इधर उधर जाना हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? कभी कभी लगता है कि कुछ ज्यादा ही शायद हो रहा है इधर उधर जाना, बट मेरे लिए ठीक भी है, क्योंकि इसके बाद जब मैं बिल्कुल बंद कर देती हूँ तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, और पिछले इन 8-8.5 साल में मैंने ज्यादा इवेंट्स कभी अटेंड नहीं किए हैं, और मुझे, मैं काइंड ऑफ एंजॉय भी करती हूँ कि चलो ये भी एक लाइफ का पार्ट है, और अलग अलग लोगों से मिलने का जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अलग अलग बच्चों से बात करने की जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर वाई नॉट, और अभी मेरे पास टाइम है जो मेरे कोच ने दिया है मुझे, तो आई एम मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड ऑफ कोर्स आई नो माई गोल इज शूटिंग ओनली एंड यू नोबडी नीड्स टू रिमाइंड मी ऑफ दैट प्लीज।